गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर, टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, वो कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम करते हैं आज उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर ये सॉल्व कर लिए अच्छे से, तो समझ लो इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। तो शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस, जो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले ये देख लो, हो सकता है कि समझ में ना आए कि मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी में से मैं ये क्वेश्चन करवाऊँगा। और इस साइड भी है थोड़े से इसमें, तो ये वाले क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, इनको देख लेना अच्छे से। तो मैं इन्हीं में से ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये कितने हैं, 21 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो, भोजन का पाचन, भोजन के पाचन की अगर मैं परिभाषा कहूँ, तो भोजन के पाचन का मतलब होता है भोजन में विद्यमान जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, कॉम्प्लेक्स जो उसमें सब्सटेंसेस होते हैं उनका टूट कर सिंपल में चेंज होना, उसको बोलते हैं डाइजेशन, भोजन का पाचन। और हमें पता है कि एक पदार्थ का दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटना, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो होती है वियोजन अभिक्रिया। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये होगी भाई वियोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, वियोजन, सिंपल बस। उसके बाद विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम बताओ। देखो, हमने पढ़ लिया है, सबसे पहले पढ़ा था हमने संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक, कॉम्बिनेशन, फिर होती है वियोजन अभिक्रिया, फिर हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, फिर पढ़ा हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर हमने पढ़ा था उपचयन, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, संयोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, उपचयन अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये अभिक्रियाओं के नाम है, सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, CuSO4 का रंग लोहे की कील डालने पर क्यों बदल जाता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। मैंने बताया था वीडियो में, कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, जब इनको पानी में डालते हैं तो हमें नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। और जब उस नीले रंग के विलयन में, मैंने इसमें बताया भी था कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट लेंगे, लोहे की कील एक इसमें डाल देते हैं, तो 3-4 घंटे के बाद इस कॉपर सल्फेट विलयन का रंग परिवर्तित हो जाएगा और ये नीले से हरे रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जब हम आयरन डालते हैं, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु होती है। मैंने सक्रियता श्रेणी बताई थी उसमें, उसमें हमने पढ़ा था कि पोटासियम जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, पहले पोटासियम सोडियम है, फिर मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक, ठीक है, आयरन, टीन होता है, एक लेड होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है, मरकरी, AgAu। तो पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील की सक्रियता श्रेणी मैंने बताई थी, वीडियो को ध्यान से देखना, उसमें लिखी हुई मिलेगी साइड में, ऐसे ही जैसे अभी लिखी मैंने, पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मतलब मरकरी, Ag सिल्वर और Au मतलब गोल्ड। तो गोल्ड सबसे कम रिएक्शन करती है, इसलिए उसका प्रयोग गहनों में करते हैं हम, और पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ये इतनी क्रियाशील है कि इसको ओपन एयर में भी नहीं रख सकते, ये हवा के साथ रिएक्शन करके आग पकड़ लेती है। तो कॉपर सल्फेट को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। देखो, CuSO4 इसमें हमने डाला Fe, मैंने बताया था अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से विस्थापित कर देगी। तो आयरन अधिक क्रियाशील है, आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ये आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो आयरन इसको इसकी जगह से विस्थापित कर देगी और बन जाएगा FeSO4 और ऊपर बाहर निकल जाएगा, और ये जो बनेगा आयरन सल्फेट, ये इसको फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। तो फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट जब बनता है तो ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया के कारण इसमें कॉपर सल्फेट का रंग परिवर्तित हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चौथा क्वेश्चन है, समीकरण को संतुलित करो। एक जिंक है आपके पास, जिंक लिखा हुआ है, ये जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। देखो संतुलित करने के लिए मैंने बताया था या तो समीकरण सीधी की सीधी लिखी हुई मिलेगी या फिर वर्ड्स में लिखा हुआ मिलेगा कि इसने इसके साथ अभिक्रिया की तो क्या बना, उसको संतुलित कीजिए। तो इसमें उसने क्या दिया कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट और बनता क्या है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3K2 प्लस सिल्वर Ag, कहता है ये बनता है, इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। और अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका मैंने बताया था एक पूरी वीडियो, अभिक्रिया सॉरी इस समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, एक पूरी वीडियो इसके ऊपर मैंने बना रखी है कि कैसे समीकरण को संतुलित करना है। मैं अभी भी बता देता हूँ, सबसे पहले हमने उनको क्या करना है, बॉक्स में बंद कर लेना है भाई, उस सब बॉक्स में बंद करना। वैसे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी इसमें तत्व है उनकी तुलना करेंगे, तत्व कौन कौन से हैं, जिंक का है, उसके बाद इसमें सिल्वर का है, उसके बाद इसमें नाइट्रोजन है वो और ऑक्सीजन है, इस साइड क्या है, अभिकारक है, अभिकारक, तो अभिकारकों में देखेंगे, और इस साइड क्या है, उत्पाद। अब जिंक देखेंगे, जिंक इस साइड एक है, जिंक इस साइड एक है, सिल्वर इस साइड एक है, सिल्वर इस साइड एक है, उसके बाद देखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इस साइड एक है, देखो एक ही है, यहाँ दो है NO3 की होल ट्वाइस, तो यहाँ दो है नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ तीन है और यहाँ तीन दूनी छः है, तो यहाँ हो गए तीन और यहाँ हो गए छः। तो भाई देखो ये ऊपर वाले ये तो संतुलित है दोनों, जिंक और सिल्वर ये तो संतुलित है, लेकिन हमें इनको संतुलित करना है, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को। चलो देखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो ऐसे बॉक्स में हमने बंद कर लिया, इनको संतुलित करने के लिए बॉक्स में बंद करना है, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। अब नाइट्रोजन को संतुलित करें तो देखो नाइट्रोजन इस साइड लिखेंगे, नाइट्रोजन को संतुलित करने पर जहां कम होती है वहीं मल्टीप्लाई करना है, तो नाइट्रोजन इस साइड दो है, इस साइड एक है, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करना उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देना है, जिंक लिख दिया दो बॉक्स से बाहर, क्योंकि नाइट्रोजन बराबर करने हैं AgNO3 ZN, बाकी यो का यो NO3K2 प्लस Ag, बाकी सब यो का यो लिख दिया, तो नाइट्रोजन होगी बराबर। अब जब हमने इसको दो से मल्टीप्लाई किया तो देखो अब ये सिल्वर भी बदल गए हैं, सिल्वर यहाँ पे एक है, अब ये सिल्वर यहाँ पे दो है, तो लिख दो या ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन दो की छः, छः होगी। देखो दो से मल्टीप्लाई हमने संतुलित किया था नाइट्रोजन को, अब नाइट्रोजन को जैसे ही संतुलित किया तो साथ में ऑक्सीजन भी संतुलित हो गई, लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को संतुलित किया तो सिल्वर असंतुलित हो गया। तो हर बार जिस भी तत्व को संतुलित करेंगे उसके बाद काउंट करना है हर बार, क्योंकि हो सकता है कि एक संतुलित करने पर दूसरा असंतुलित हो जाए। तो देखो इसमें तो दो सिल्वर यहाँ हो गए हैं, सिल्वर यहाँ पे एक है, तो लिखेंगे सिल्वर को Ag को संतुलित करने पर, ये लिखना पड़ेगा संतुलित करने पर, तो जहां कम है वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यूं का यूं लिख देंगे, जिंक प्लस 2AgNO3 की बॉक्स के अंदर और जिंक NO3 की ट्वाइस प्लस 2Ag, ठीक है भाई, ये लिख दिया, दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब काउंट करके देखो, फिर से तुलना करो सभी तत्वों की, क्योंकि तुलना तो करनी पड़ेगी हर बार, हो सकता है कोई असंतुलित हो गया। तो जिंक यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, दो ए जी है यहाँ पे, दो ए जी, ए जी मतलब सिल्वर, दो नाइट्रोजन, देखो दो से गुणा है तो नाइट्रोजन भी दो, यहाँ दो से गुणा है तो नाइट्रोजन दो, दो तीन छः, ऑक्सीजन के परमाणु हो गए, तो तीन गुणे छः ऑक्सीजन के परमाणु हो गए, तो ये रिएक्शन होगी भाई संतुलित। उसके बाद इसको हम बॉक्स से बाहर लिख देंगे, जिंक जिंक प्लस AgNO3 2AgNO3 दो था ना, तीर का निशान, जिंक NO3 की 2
प्लस 2Ag। अब भौतिक अवस्थाएं कौन सा लिक्विड है कौन सा सॉलिड है लिखेंगे, तो ये सॉलिड होता है, इसका विलयन होता है, ये सिल्वर नाइट्रेट, ये विलयन है और ये सॉलिड निकलेगा, तो ये होगी मेरा रासायनिक समीकरण संतुलित। इस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं। देखो विकृत गंधिता को रोकने के लिए जो पदार्थ हम प्रयोग करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि विकृत गंधिता क्या होती है, कि जो तेल और तेलीय पदार्थ होते हैं उनमें तेल का ऑक्सीकरण होकर कोई नया पदार्थ बन जाता है और उस पदार्थ की गंध और स्वाद बदल जाते हैं, जिसको बोलते हैं विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। इसका प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन को तेल के पदार्थ तेल के पास नहीं जाने देते, ये ऑक्सीजन को पकड़ लेंगे, जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं उनको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। तो विकृत गंधिता को रोकने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। उदाहरण मैंने सोई बताया था BHA होता है, BHT भी होता है, ठीक है, एस्कोर्बिक एसिड भी होता है, ये सारे प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक के उदाहरण भी पेपर में आते हैं, तो ये उदाहरण याद रखना भी ठीक है। एक ओजोन भी होती है, ओजोन गैस होती है वो भी। उसके बाद नहीं ओजोन भी ये नहीं। उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया का एक मुख्य उपयोग बताइए। वियोजन अभिक्रिया, देखो हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया को शुरू करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा ऊष्मा के रूप में दे सकते हैं, सूर्य के प्रकाश में दे सकते हैं, या विद्युत धारा के रूप में भी दे सकते हैं। और हमने उसमें पढ़ा था कि विद्युत धारा के रूप में जब हम उनको ऊर्जा देते हैं, तो देखो H2O इसमें जो विद्युत धारा गुजारी हमने, तो H2 प्लस O2 गैस प्राप्त हुई थी। देखो H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए हमें वियोजन अभिक्रिया चाहिए, ये भी प्रयोग है उसका, इसका वियोजन अभिक्रिया का। दूसरा बहुत सारे जो तत्व होते हैं उसके अयस्क से बहुत सारी धातुओं को उनके अयस्क से, अयस्क क्या होता है, धरती में धातु जिस रूप में मिलती है, जिस रूप में धातु धरती से निकालते हैं ना, वो कहलाती है क्या, उसका अयस्क। तो इसके बारे में बाद में डिटेल में मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि धातु धरती से जिस रूप में निकालते हैं उसको अयस्क बोलते हैं, फिर उसमें से धातु को निकालना। जैसे मान लो धातु मिल जाए सोडियम, सोडियम क्लोराइड के रूप में है आप लोगों के पास, इसमें सोडियम है लेकिन इसके साथ क्लोरीन भी जुड़ी हुई है, तो ये मान लो NaCl जो है ये सोडियम का अयस्क है। अब इसमें से क्या निकालनी है हमें, हमें तो सोडियम चाहिए सिर्फ, क्लोरीन की आवश्यकता नहीं है, तो विद्युत धारा गुजारेंगे, विद्युत धारा गुजारेंगे तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, Na+Cl2 बन जाएगा, तो सोडियम देखो अलग ही होगी है। तो वियोजन अभिक्रिया का मुख्य उपयोग यही है कि बहुत सारी धातुओं को उसके अयस्क से अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद प्रतिऑक्सीकारक क्या है, इनको तैलीय पदार्थों में क्यों मिलाया जाता है। अभी मैंने बताया था कि प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका प्रयोग विकृत गंधिता को रोकने के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। उदाहरण है BHA, BHT, एस्कोर्बिक एसिड, और विकृत गंधिता को रोकने के लिए इनको तेलीय पदार्थों में मिलाया जाता है, या ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कह सकते हो, तेल तेलीय पदार्थ में उपस्थित तेल के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दो जो विद्युत धारा ऊष्मा सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। देखो वीडियो को अच्छे से, अगर मेरे बनाए हुए वीडियो को अच्छे से देखोगे उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसमें से नहीं आया हो, जो मैंने नहीं बताया हो, यहाँ बोर्ड पे वीडियो में सब कुछ यहाँ बोर्ड पे करवाया गया है। अगर वीडियो को अच्छे से देख लोगे ना तो फर्स्ट चैप्टर में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दो, ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था पेपर में कि वियोजन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण दो, एक ऐसा उदाहरण जो ऊष्मा की उपस्थिति में होता है मतलब गर्म करने पर, एक ऐसा उदाहरण जो विद्युत धारा से होता है, और एक ऐसा उदाहरण जो सूर्य के प्रकाश में होता है। तो वियोजन अभिक्रिया का हमने पढ़ा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट
इसको गर्म कर देंगे, ये तो हो गया उष्मीय वियोजन, तो बनता क्या है CaO और CO2, ठीक है। ये उदाहरण है, सॉलिड बनेगा, ये गैस बनेगी और ये सॉलिड है, ये उष्मीय वियोजन का उदाहरण है। देखो इसमें ऊर्जा तो देनी है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में ऊर्जा तो देनी ही पड़ेगी, यहाँ उष्मा के रूप में दे रहे हैं तो ये उष्मीय वियोजन का उदाहरण होगा। अगर हम विद्युत धारा के रूप में दे, जैसे H2O, यहाँ पे ऊर्जा तो दी हमने, लेकिन वो दी किसमें, विद्युत धारा के रूप में, तो विद्युत धारा तो बना क्या H2 प्लस O2, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन ऊर्जा किस रूप में दी जा रही है, विद्युत धारा के रूप में। अब तीसरा उसने का सूर्य के प्रकाश में, जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको सूर्य के प्रकाश में रख दो, सूर्य के प्रकाश में रख दिया, क्या बना Ag+Br2, ठीक है Br2, ये 2Ag और ये 2Ag हो जाएगा। तो ये तीन अलग अलग एग्जांपल है, ये तीनों है तो वियोजन अभिक्रिया के, लेकिन इनमें जो ऊर्जा दी गई है वो अलग अलग रूप में दी गई है, ये ऊष्मा के रूप में दी गई है, विद्युत धारा के रूप में दी गई है, और ये सूर्य के प्रकाश द्वारा दी गई है। उष्मीय वियोजन के हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे, तो मैंने एक ही बताया था, एक पोटेशियम क्लोरेट का बताया था मैंने, KClO3, इसको गर्म करेंगे तो बनेगा KCl पोटेशियम क्लोराइड, साथ में ऑक्सीजन निकलेगी। मैंने बैलेंस नहीं किया, संतुलित नहीं किया, ऐसी लिख दी सीधी, एक लेड नाइट्रेट PbNO3 की ट्वाइस, इसको गर्म करेंगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी, ये भी उष्मीय वियोजन का। एक फेरस सल्फेट का बताया था FeSO4, इसको गर्म करते हैं तो बनता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और साथ में बनेगा क्या SO2 प्लस SO3। तो ये तीनों, ये और ये चारों उष्मीय वियोजन के उदाहरण हैं। इनमें से पेपर में, फाइनल पेपर की बता रहा हूँ, पेपर में जरूर क्वेश्चन मिलेगा, कोई ना कोई और एग्जांपल ही आते हैं पेपर में। उसके बाद अभी धातुओं को उनके अयस्क से निकालने के लिए कौन सी अभिक्रिया प्रयोग की जाती है, अभी मैंने बता रहा, धातुओं को उनके अयस्क से निकालने के लिए वियोजन अभिक्रिया का भी प्रयोग करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड से सोडियम को निकालना है, ठीक है, तो इसका प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को निकालना है तो हम वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन का भी प्रयोग किया जाता है, तो अगर आप लोगों को याद आ जाए, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब उपचयन अपचयन अभिक्रिया का भी प्रयोग करते हैं धातुओं को निकालने के लिए, और वियोजन अभिक्रिया का भी प्रयोग करते हैं धातुओं को निकालने के लिए, किससे, उनके अयस्क से। अब 10वां क्वेश्चन, निम्न में से अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए, भी ये लिखा है CaCO3, इससे बना CaO+CO2, कौन सी अभिक्रिया है, एक पदार्थ छूटा किसमें, दो में, तो कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया होगी, नाम से ही पता चल जाएगा, देखने से ही पता चल जाएगा, CaO+H2O बना क्या CaOH2, सब उदाहरण करवा चुका हूं पहले वीडियो में, दो चीजें जुड़ी एक बनी, कौन सा, संयोजन अभिक्रिया है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन जुड़ रही है। उसके बाद FeSO4 अभी करवाया तुरंत, अभी जस्ट ये टूटेगा किसमें, Fe2O3 SO2 प्लस SO3 में, देखो एक पदार्थ तीन में टूट गया तो कौन सी, वियोजन अभिक्रिया, एक पदार्थ दो या दो से अधिक में टूटेगा तो कौन सी, वियोजन अभिक्रिया है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये टूटा किसमें, NH3 अमोनिया में, और HCl में, कौन सी, एक पदार्थ है दो में टूट गया तो वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है ज्यादातर, याद रखना, और संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अभिक्रिया होगी, इनमें से कौन सी अभिक्रिया होगी, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाना है, भाई मैग्नीशियम रिबन है Mg, इसको ऑक्सीजन में जलाया, बना क्या MgO, कंकाली समीकरण लिखी बस, संतुलित नहीं किया है, लेकिन याद रखो किसी भी चीज को ऑक्सीजन में जलाना हमेशा ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो ये याद रखना, ये ऊष्माक्षेपी है, लेकिन एक ये और एक ये दोनों जुड़े हैं तो मतलब संयोजन अभिक्रिया, दो जुड़ के एक बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया, और अभी मैंने बताया संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, तो इसमें ऊष्मा निकलेगी, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसे लिखा जाएगा, अक्षा आएगा ऊष्माक्षेपी ऐसे। उसके बाद है
चूना पत्थर को गर्म करना, अभी लिखा था चूना पत्थर का CaCO3, इसको गर्म करेंगे तो बनेगा CaO + CO2, तो कौन सी होगी वियोजन अभिक्रिया, एक पदार्थ दो में टूट रहा है तो वियोजन अभिक्रिया है। सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखना, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, अभी ये निकलवा था, इसको सूर्य के प्रकाश में रखा तो Ag और Br2 में टूट जाएगा, तो कौन सी होगी वियोजन अभिक्रिया होगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि संतुलित करो इसको FeSO4, FeSO4 वियोजन हुआ इसका, इसमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो सबसे पहला काम होता है अभिकारक और उत्पाद, इनमें तत्वों का एक दूसरे की तुलना करना कि तत्व बराबर हैं कि नहीं है। आयरन देखो, आयरन आयरन यहाँ एक है, यहाँ दो हैं। सल्फर देखो, सल्फर यहाँ एक है, यहाँ दो हैं। और ऑक्सीजन यहाँ चार हैं, यहाँ ऑक्सीजन 3, 2, 5 और 2, 7 हैं, ठीक है, वही भी संतुलित नहीं है। तो चलो संतुलित करते हैं हम, तो भी सबसे पहले तरीका मैं बता, बॉक्स में बंद करेंगे, ये बॉक्स में बंद कर दिया। अब आयरन दो है, इधर आयरन एक है, तो लिख लो आयरन को संतुलित करने पर, आयरन को संतुलित करने पर दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको दो से कर दिया FeSO4, बाकी यो का यो लिख दिया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये लिख दिया, कुछ भी नहीं है। इधर दो था, मैंने बताया बीच में कहीं दो नहीं लगाना, कभी Fe के नीचे दो लगा दो, नहीं सर, आयरन सल्फेट का सूत्र FeSO4 ही होता है, Fe2SO4 नहीं होता, इसलिए बीच में कहीं नहीं लगाना है, दो तीन मतलब डिजिट बीच में लिखने कहीं भी, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो काउंट करके, दो आयरन 3, 2, 5, 3, 8 ऑक्सीजन है, 4, 2, 8 8 ऑक्सीजन हो गई है, दो सल्फर देखो, दो से मल्टीप्लाई हो, दो सल्फर, एक सल्फर यारी, एक यारी, तो हो गई संतुलित, बाहर लिख दिया 2FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तो रासायनिक समीकरण हो गई है संतुलित। संतुलित करना कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं बिल्कुल भी। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है लेड नाइट्रेट PbNO3, PbNO3 अभी उदाहरण मैंने बताया था, किसका उदाहरण है, उसमें वियोजन का उदाहरण है, गर्म करेंगे तो पीले रंग का एक पदार्थ प्राप्त होगा जिसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, सोलेड प्लस में NO2 प्लस में O2, ठीक है, योग अभी। अब देखो संतुलित करेंगे, नाइट्रोजन देखो, लेड तो बराबर है एक है, एक है, नाइट्रोजन दो है, ब्रैकेट में दो है ना, इधर नाइट्रोजन एक है, ठीक है, इसका मतलब है नाइट्रोजन यहां बराबर करनी है, यहां दो है, दो ऑक्सीजन ये भी, दो ये भी, चार और एक ये भी, पांच, ठीक है। अब पांच है और इधर कितनी होगी, 3 × 6 है, तो नाइट्रोजन को संतुलित कर लेते हैं या ऑक्सीजन को संतुलित कर लो, एक ही बात है, 2 × 4 और 1 × 5, 3 × 6 मतलब इधर कम है, इधर कम है, 2 × 4 2 × 4 1 5 5 है, इधर 3 × 6 6 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन एक कम, अगर मैं यहाँ दो लिखूंगा तो दो जाएंगे आगे, 2 × 2 4 6 बराबर हो जाएगी, लिख लो ऑक्सीजन को संतुलित करने पर, संतुलित करने पर, बॉक्स में बंद करेंगे सभी को, बॉक्स में जरूरी है, नहीं गड़बड़ करोगे फिर, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 की 2, ठीक है, यहां गुणा करना 2 से, तो बॉक्स के बाहर 2 आएगा, बीच में कहीं नहीं लिखना, PbO प्लस बाकी सब ऐसा NO2 प्लस O2, ठीक है भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर तत्वों को फिर से तुलना करके देखो, अब देखो 2 लेड हो गया इस साइड, लेड 2 Pb लिख दिया ना, तो लेकिन इस साइड क्या है, एक है, तो लिखेंगे Pb को संतुलित करने पर, लेड को संतुलित करने पर, तो 2 इस साइड, इधर एक है, तो 2 से इसको गुणा करेंगे, इसको बॉक्स में रखो, तो 2 बॉक्स से मल्टीप्लाई होगा, पूरा Pb
NO3 की 2 2 बॉक्स में PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये हो गया। अब देखो, अब ये जैसे दोस्त मैंने ऐसा आगे लिखा, 3 × 6 × 12 ऑक्सीजन हो गई इसमें, लेकिन नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन पहले 2 थे और आगे मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो इसका मतलब है 2 × 4 नाइट्रोजन हो गए आगे, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, तो यहाँ 4 हो गए इस साइड, यहाँ हो गया 1, तो इसको 4 में बदलना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी किसी को नहीं छेड़ना, बाकी सबको सेम पी बी एन ओ थ्री की 2 पी बी ओ प्लस 4 एन ओ टू प्लस ओ टू, ठीक है भाई, बॉक्स में बंद कर दिया, 4 से गुणा कर दिया ना। अब देखो फिर दोबारा तुलना करो, फिर से 2 लेड हो गए, 2 लेड हो गए ऑक्सीजन, 2 × 2 = 4 × 2 = 6 × 3 = 6 और 6 × 12 12 ऑक्सीजन हो गई है, लेकिन सॉरी अब मैंने 2 × 2 = 4 ऐसे कर दिया, गड़बड़ हो गई, 4 × 8 करेंगे, 4 आगे है, इसको तो देखा ही नहीं, 2 × 4 = 8 2 × 10 = 2 × 12 हो गई संतुलित, नाइट्रोजन भी हो गई संतुलित 4, तो बॉक्स के बाहर लिख देंगे 2PbNO3 की ट्वाइस 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये होगी रासायनिक समीकरण संतुलित, वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, सूत्र ठीक लिखने हैं, तत्वों का प्रतीक ठीक लिखना है, तो अपने आप संतुलित हो जाएगी। अब है कौन सा पदार्थ उपचेत तथा कौन सा अपचेत होता है, हम H2S प्लस CN2 सल्फर प्लस HCl, वैसे तो सारी करवा चुका हूँ मैं, SO2 प्लस 2H2S 2H2O प्लस 3S ZNO प्लस कार्बन जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो इनमें ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा पदार्थ अपचित होता है और कौन सा उपचित होता है। मैंने बताया था किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, अगर किसी तत्व से तत्व में ऑक्सीजन जुड़े तो या हाइड्रोजन निकले तो वो होता है क्या, ऑक्सीडेशन, उपचयन होता है, और किसी तत्व में हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले होता है अपचयन। अभी सभी क्रिया में देखो, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S लिखा है, यहाँ पे सल्फर लिखा है, तो H2S से क्या बना, सल्फर, मतलब हाइड्रोजन चली गई, H2S से हाइड्रोजन चली गई, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, अपचयन। तो उसके बाद क्लोरीन थी, यहाँ क्लोरीन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन, देखो यहाँ खाली क्लोरीन थी और यहाँ आने के बाद उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ी, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, वो होता है भाई अपचयन, सॉरी हाइड्रोजन का निकलना उपचयन होता है, पहले में यहाँ हाइड्रोजन निकली ना तो उपचयन, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ी तो अपचयन, लेकिन किसका हुआ अपचयन या उपचयन, मैंने बताया था जिसमें जुड़ती है या जिसमें से निकलती है, H2S में से हाइड्रोजन निकली है तो H2S का उपचयन होगा, बात याद रखना, और क्लोरीन में जुड़ी है तो क्लोरीन का होगा अपचयन, ये भी याद रखना, ठीक है। अब इसमें देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर में बदली, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन थी ना, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन गई, और ऑक्सीजन का निकलना क्या लगता है, अपचयन, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखो ये भी इसमें ही बदली जाएगी, यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन थी लेकिन यहाँ हाइड्रोजन निकल गई, तो ये हो गया, ये अपचयन है, ये भी ठीक है, ये तो हो ही गया, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना होता है अपचयन, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन को ले यहां पे, यहां हाइड्रोजन जुड़ी तो यहां हाइड्रोजन का हो गया उपचयन, ठीक है, लेकिन इसको नहीं लेना, हम इसको ही लेंगे सल्फर को ही, तो यहां यहां भी इसका अपचयन ही हुआ है, और यहां भी इसका अपचयन ही
हुआ है, ये याद रखना। ठीक है भाई, ये हो गया। अब है आगे जिंक ऑक्साइड, ZnO, ZnO से Zn मतलब ऑक्सीजन निकल गई, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन, अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो कार्बन का क्या हो गया, उपचयन। देखो कार्बन यहाँ खाली कार्बन है सिर्फ, यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो कार्बन का हुआ है उपचयन, याद रखना। और जिंक ऑक्साइड का हुआ है अपचयन, जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन इसमें से गई तो इसका हो गया अपचयन। ठीक है, और कार्बन का हो गया उपचयन, ये बात याद रखना। ठीक, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना। विस्थापन पदार्थवी विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए, ये तो वीडियो में भी है, वीडियो को देख लेना अच्छे से। विस्थापन पदार्थवी विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा उसको बोलते हैं विस्थापन। और द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी क्रिया जिसमें तत्वों के आदान प्रदान से नए पदार्थों का निर्माण होता है, दो अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से, दो पदार्थों के बीच आयनों के आदान प्रदान से एक नए पदार्थ का, दो नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बात और मैंने बताई थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक पदार्थ जो बनता है वो ठोस बनता है, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, विस्थापन अभिक्रिया में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये वन अंतर हो गया विस्थापन में और द्विविस्थापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मैग्नीशियम अभिक्रिया दे दिया, एक मैग्नीशियम प्लस में कॉपर ऑक्साइड बना है, MgO प्लस कॉपर, ये कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया है ये। देखो अब कॉपर ऑक्साइड थी, मैंने बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया वैसे तो विलयनों में जो होते हैं, दो विलयन जब हम लेते हैं या एक विलयन हम ले लेंगे और एक ठोस धातु उसमें डालेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि विस्थापन अभिक्रिया में सभी विलयन में ही हो, दो ठोस वस्तुओं के बीच में भी ये हो सकती है। तो मैग्नीशियम कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को इसने हटा दिया और ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ा यहाँ पे और कॉपर बाहर निकल गया, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया, और साथ में यह उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ अकेला है और मैग्नीशियम यहाँ पे गया तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका हो गया उपचयन, किसका, मैग्नीशियम का, और यहाँ कॉपर ऑक्साइड है तो ठीक है, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया भी है और ये एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी है, याद रखना। उसके बाद है 16th क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन शुरू होंगे अच्छे वाले, ठीक है, अभी तक जो चल रहे थे वो तो वैसे ही बस कंसेप्ट को देखने के लिए कि थोड़ी समझ है कि नहीं। अब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। एक हरे रंग का पदार्थ गर्म करने पर भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाता है और सल्फर जलने की गंध प्राप्त होती है, तो इसका मतलब है जब भी वो हरे रंग का पदार्थ, हमने पढ़ा था अब तक चैप्टर में जो पढ़ा था, हरे रंग का पदार्थ जो होता है वो आयरन सल्फेट होता है, हमने पढ़ा था। तो देखो कि क्या आयरन सल्फेट को गर्म करने पर कोई सल्फर डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है, क्योंकि सल्फर की गंध प्राप्त होती है, और ये तो मैंने अभी बता था थोड़ी देर पहले कि आयरन सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो Fe2O3 और SO2 और SO3 बनता है। जब ये गैस निकलेंगी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड तो सल्फर की गंध तो आएगी ही, तो उसने कहा एक हरे रंग का पदार्थ गर्म करने पर भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाता, और भूरे रंग का पदार्थ क्या है, ये पदार्थ है वो आयरन 3 ऑक्साइड जिसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये चीज उसने दी नहीं है, उसने कहा कि कोई हरे रंग का पदार्थ है उसको गर्म किया तो भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त हुआ, क्वेश्चन ही ये है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो हरे रंग का है जिसको गर्म करने पर हमें भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त हुआ और
सल्फर की गंध भी प्राप्त हुई। तो उत्तर क्या है उसका, वो पदार्थ कौन सा है, वो है आयरन सल्फेट FeSO4। पूरा सूत्र लिखेंगे तो FeSO4 7H2O है इसका सूत्र, 7H2O क्रिस्ट, ये 7H2O क्या है, ये क्रिस्टलीकरण जल होता है, ये इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, वीडियो को देखना। इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो देखो भाई ये गर्म करने पर टूट गया तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो ये तो होगी भाई ऊष्मीय वियोजन हो गया, इसमें ऊष्मीय वियोजन गर्म करने से टूटा है तो इसलिए ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो गई। संतुलित समीकरण लिखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको संतुलित किया था, अगर लिख लो तुम 2 तो आई थिंक ये संतुलित हो जाएगी, 4×8 3×2 5×3×8 ठीक है संतुलित होगी, है 2 लगाते ही संतुलित हो जाएगी। तो ये ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं। जैसे अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, पेपर में ऐसे ही आएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे एक रंगहीन लेड लवण, लेड का कोई लवण है जिसका कोई रंग नहीं है, जब गर्म किया जाता है तो पीले रंग के अवशेष प्राप्त होते हैं तथा भूरे रंग की फ्यूम्स निकलती है, ब्राउन कलर की। देखो लेड का लवण है और उसको गर्म किया, ये तो पता चल गया अभी उस लवण में लेड है, और जो जब इसको हमने कोई लवण, देखो लवण बहुत सारे हैं, लेड सल्फेट लेड नाइट्रेट पता नहीं क्या क्या है, सल्फेट वाला नाइट्रेट वाला कार्बोनेट वाला कोई भी लवण हो सकता है, तो यहाँ लेड का लवण है और उसको गर्म किया तो हमें पीले रंग का एक अवशेष प्राप्त होता है, और पीले रंग का हमें पता है कि लेड ऑक्साइड होता है, और साथ में क्या कहता है कि और भूरे रंग की फ्यूम्स निकलती है, और वो ब्राउन रंग कलर की जो फ्यूम्स निकलती है वो निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और तो इस इन दो से हमें पता चल जाएगा कि भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड तो लेड नाइट्रेट के टूटने से बनते हैं, तो लेड नाइट्रेट होगा यहाँ पे PbNO3 2, ऐसे जब ये टूटेगा तो PbNO2 और यहाँ पे हो जाएगा O2। अभी मैंने इसको संतुलित किया था, यहाँ पे आ जाएगा 4 ठीक है, ये संतुलित हो जाएगी। तो वो पदार्थ कौन सा है, लेड का वो कौन सा लवण है जिसको गर्म करने पर भूरे रंग की फ्यूम्स प्राप्त होती है और पीले रंग का पदार्थ प्राप्त होता है, तो वो कौन सा लवण हो गया, वो हो गया लेड नाइट्रेट। ये पूछ रखा है उसने, उस लवण का सूत्र बताइए, तो सूत्र क्या होगा PbNO3 2। समीकरण भी लिखिए, ये मैंने समीकरण लिख दी, येलो कलर का जो पदार्थ प्राप्त होता है उसका सूत्र लिखिए, ये PbO लेड ऑक्साइड, ये येलो कलर का वो पदार्थ है ठीक है भाई, समीकरण लिखिए, ये भी हो गया। अब है 18वां क्वेश्चन, कोई धातु एक्स की पतली पत्ती नीले रंग के विलयन YSO4 में डाली जाती है, कोई धातु एक्स, कोई धातु है एक्स, इसको डाल दिया हमने विलयन में और विलयन का सूत्र है YSO4, इसमें डाला कुछ समय के पश्चात धातु वाई की परत विलयन से एक्स पर जमा हो जाती है, तो जब हमने इसको, ये विलयन है याद रखना, ये रूपी दे रखा है तो क्वेश्चन में, ये विलयन है और ये धातु है ठोस है उसमें डाल दिया, तो जब इसको इसमें डाला तो धातु वाई की पर जो धातु क्या कहता है, धातु वाई की परत विलयन से एक्स पर जमा हो जाती है, तो वाई के निकल के एक्स पर जमा हो जाती है। एक्स का प्रयोग गैल्वेनाइजेशन में किया जाता है और धातु वाई का प्रयोग बिजली की तार बनाने में करते हैं, तो ये भी कह दिया उसने यहाँ पे जो धातु है वाई, इसका प्रयोग बिजली की तार बनाने में करते हैं, बिजली की तार बनाने में हमें पता है क्या अगर किस किस का प्रयोग करते हैं, हम चांदी वैसे सबसे अच्छी चालक है लेकिन तार बनाने में नहीं करते, तो हम कॉपर का प्रयोग करते हैं या एल्यूमिनियम का करते हैं ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखूं तो ये धातु इसके ऊपर नहीं चिपक, ये वाली धातु इसके ऊपर नहीं चिपक सकती, क्यों, क्योंकि ये वाली धातु इसको तभी हटा सकती है, ये वाली धातु इसको तभी हटा सकती है जब ये अधिक क्रियाशील हो, इससे अधिक क्रियाशील ये होगी तब इसको हटाएगी, इसका मतलब ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अगर ये है तो ये इसको नहीं हटा पाएगी भाई। तो देख लो पहले क्या था कि धातु एक्स का प्रयोग गैल्वेनाइजेशन में करते हैं, इससे भी पता चल जाएगा कि धातु एक्स जो है इसका प्रयोग गैल्वेनाइजेशन में करते हैं, जिंक मतलब जिंक की परत चढ़ाना किसी दूसरी धातु के ऊपर, जिंक की परत चढ़ाना उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, मतलब ये तो उत्तर ही मिल गया हमें, गैल्वेनाइजेशन में जिंक का प्रयोग करते हैं, तो एक्स क्या होगी, एक्स हो गया भाई जिंक ठीक है, और ये जो वाई है
तो एल्यूमिनियम नहीं है। देखो अभी अगर मैं दो ही धातु जिनका प्रयोग तार बनाने के लिए कर सकते हैं, कॉपर है एल्यूमिनियम है, अगर ये एल्यूमिनियम का विलयन होता और एक धातु जिंक है तो जिंक कभी इसके ऊपर प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है, क्यों, क्योंकि जिंक एल्यूमिनियम से कम क्रियाशील है। देखो एल्यूमिनियम ऊपर है, जिंक नीचे है, इसका मतलब है ये एल्यूमिनियम नहीं है, ये क्या है, कॉपर है। तो x क्या है, जिंक, और y क्या है, Cu कॉपर है, Cu और साथ में SO4, तो Cu SO4 का विलयन है, वो कॉपर सल्फेट है, y क्या है, कॉपर है, और x क्या है, जिंक है। तो अभिक्रिया क्या होगी, जब जिंक को डाल दिया इसमें CuSO4 में, तो बना क्या, ZnSO4 और बाहर निकल जाएगा कॉपर, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ये कॉपर जिंक जब हम उसमें डालेंगे तो कॉपर जो है जिंक के ऊपर जमी हुई मिलेगी, जैसे मैंने बताया था कि आयरन की कील डालने पर ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे ही पूछेगा कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, समीकरण लिखो, संतुलित करो, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं, यही सेम जो मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु x, कोई धातु x है, कोई एक धातु x जलीय विलयन XnO3 का निर्माण करती है, कोई धातु है x, इसमें जब हमने पानी मिलाया H2O तो इसने XnO3 बनाया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो धातु है ये धातु अकेली तो है नहीं, क्योंकि अगर ये अकेली होती सिर्फ धातु और पानी मिला देते तो NO3 कहां से आता, NO3 तो आने, इसका मतलब ये लवण है, धातु का लवण है कोई ना कोई, और वो लवण क्या, नाइट्रेट लवण है, क्योंकि NO3 तो आ गया, तो पानी जब इस, ये लवण है ठोस अवस्था में, इसमें पानी मिलाएंगे तो हमें ये विलयन प्राप्त हुआ XnO3। अब ये नहीं पता कि वो x क्या है, करता है, कहता है अब इस विलयन को साधारण नमक के विलयन में मिलाने पर पदार्थ y का अवक्षेप बनता है। साधारण नमक का विलयन, साधारण नमक क्या होता है, NaCl, इसका विलयन है एक्वस से, तो दे दिया उसने, और ये XnO3 है, XnO3, कहता है कि इनको मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कोई पदार्थ y, यहाँ पे y का कोई अवक्षेप प्राप्त हुआ, ठोस प्राप्त हुआ कोई। धातु x विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, याद रखना सबसे अच्छी चालक कौन सी है, उत्तरी मिल गया तो x का सिल्वर है, अभी अभी बता था मैंने, तो ये क्या है, AgNO3 है, ये तो भाई AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, और सिल्वर नाइट्रेट में जब हम NaCl को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है, देखो Ag प्लस वाला क्लोरीन, माइनस वाला Na प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये Ag प्लस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा AgCl, और NaNO3 निकल जाएगा NaNO3, तो इसके हमें प्राप्त हो जाएंगे अवक्षेप, ठीक है। तो ये क्या करता, क्या पूछता प्रश्न, धातु X विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, ये HCl के साथ H2 गैस नहीं बनाती, और ये सबसे अच्छी चालक है, और ये इस धातु को Ag को अगर HCl के साथ अभिक्रिया करवाएं तो यह हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, क्यों नहीं बनाती भाई, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इस Ag से अधिक क्रियाशील है, तो ये इसको इसकी जगह से विस्थापित नहीं कर पाएगी, अभिक्रिया ही नहीं होगी, हाइड्रोजन को विस्थापित वो कर पाएगी तो इससे ऊपर है, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं होगी, तो हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगी। अब पूछ रहा है, कह रहा है कि धातु X क्या है, पता चल गया हमें सिल्वर है, लवण XnO3, लवण XnO3 क्या हो गया, AgNO3, कहता है यौगिक Y का नाम लिखो, Y क्या बना, AgCl, कोई अवक्षेप बना था ना Y, उसने पहले लिखा Y बना, तो Y का सूत्र क्या होया, सिल्वर क्लोराइड। समीकरण का प्रकार, समीकरण कौन सी होगी, ये द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये देखो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसमें संतुलित कीजिए, संतुलित करना आप लोगों का काम है, संतुलित करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। उसके बाद है विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, विकृत गंधिता को कैसे रोक सकते हैं, हमने पढ़ा सुबह, हम तैलीय पदार्थों को नाइट्रोजन गैस में पैक करके रोक सकते हैं। दूसरा
रेफ्रिजरेटर द्वारा अगर हम तेलीय पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो अभिक्रिया स्लो हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे होगी, जल्दी खराब नहीं होंगे तेलीय पदार्थ। उसके बाद हम प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके, कौन से प्रतिऑक्सीकारक, जैसे BHA, BHT, उनका प्रयोग करके विघटित गंधिका को रोक सकते हैं। इसके अलावा तेलीय पदार्थ को एयर टाइट कंटेनर में भर दें, मतलब ऐसे डब्बे में पैक कर दें जिसमें हवा ना तो बाहर जा सकती है और ना ही अंदर आ सकती है। तो इन तरीके से हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है, किसी लाल भूरे रंग का 1 ग्राम पदार्थ गर्म करने पर काले रंग का पदार्थ देता है। कोई लाल भूरे रंग का पदार्थ है, देखो लाल भूरे रंग का पदार्थ तत्वों में लगभग एक ही है और वो है कॉपर, जो हमने पढ़ा अब तक पाठ में 10वीं में, ज्यादातर आगे तो बहुत सारे हैं बड़ी क्लासों में। तो कॉपर जो होता है वो होता है लाल भूरे रंग का, और जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है भाई, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। और कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और कॉपर होता है लाल भूरे रंग का, जब इसको गर्म कर दिया तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ जो कि ब्लैक कलर का होता है। वो कहता है फिर इस ब्लैक कलर में से हाइड्रोजन गुजार दे तो ये दोबारा से हमें, देखो पहले ब्लैक प्राप्त हुआ फिर इसमें से अगर हम हाइड्रोजन गुजारे तो दोबारा से हमें लाल भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। तो इसमें से हाइड्रोजन गुजारने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अभिक्रिया हुई थी उसका उल्टा हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ चली जाएगी और कॉपर बाहर निकल जाएगा H2O, ठीक है, कॉपर बन जाएगा, लाल भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। ये प्रश्न लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ था कि कोई 1 ग्राम पदार्थ लेकर अगर हम उसको गर्म करें तो हमें काले रंग का एक पदार्थ प्राप्त होता है, और उस काले रंग के पदार्थ को हाइड्रोजन के साथ गर्म कर दे तो दोबारा से हमें लाल भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। तो वो पदार्थ कौन सा है, तो वो पदार्थ है कॉपर। कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा जो कि काले रंग का है। इस काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में से जब हाइड्रोजन गुजार देंगे तो दोबारा से कॉपर प्राप्त हो जाएगा जो कि लाल भूरे रंग का होता है, पानी बाहर निकल जाएगा। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किसके, लेसन फर्स्ट के, ठीक है भाई, इनको अच्छे से समझ लेना। मैंने जो वीडियो बनाई है ना उनको अच्छे से देख लिया तो मैं कहता हूँ कि चैप्टर में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज हमारा लेसन नंबर 1 बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये एक्सरसाइज के साथ, मतलब इन क्वेश्चंस के साथ ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। कोई भी वीडियो सिर्फ वीडियो से समझ में नहीं आता, बार बार बोलता हूँ, तो वीडियो को देखना, कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन खुद से सोल्व करोगे, जितना जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को लिख के देखना, कॉपी में लिख के देखोगे तब चीज़ें क्लियर होती है खुद से करके। जैसे कई बार वैसे तो मैथ्स के भी सवाल सर करवाते हैं बोर्ड पे, ऐसा लगता है जैसे समझ में आ गए, लेकिन जब खुद करने लगते हैं तो नहीं आते। तो वही बात है, अब यहाँ भी लग रहा होगा कि समझ में आ गया, लेकिन जब खुद से करोगे तो पता चलेगा, इसलिए खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखते हैं। थैंक यू।